जो रियल सीईओ का जो लफ्ज है वो है चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर, इट इज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इट इज क्या है जी, चीफ एनर्जाइजिंग। जो बंदा एनर्जाइज कर सकता है अपनी टीम को, अपने अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने कॉलीग्स को, ही इज द सीईओ। तो पहला स्किल क्या है, नंबर वन, उसे कहते हैं कि सबसे बड़ा स्किल, कहते हैं जी क्रिटिसिज्म, ठीक है जी, क्या करता है, ड्रैग्स यू टू द ग्रेवयार्ड। ये 80-20 का रूल आपने याद रखना, 20% जो किसी भी सीईओ को जो स्किल्स आने चाहिए कि उसको टेक्निकल पार्ट पता होना चाहिए। आई रिपीट पीपल मैन, किसी भी सीईओ को कामयाब करने के लिए पहला पॉइंट क्या बताया, पीपल मैनेजमेंट। और पीपल मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैं क्लियर बता रहा हूँ, वो क्या है जी, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड थर्ड क्या जी, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो होता है ना, पहली दो चीज़ें क्या हैं, वो इनटेंजिबल रिवॉर्ड है, इनटेंजिबल, और जो फाइनल है रिवॉर्ड वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड, लेकिन फाइनेंशियल वो टेंजिबल है, लेकिन उसको मैं पहले नंबर पर कभी नहीं रखूंगा। कभी भी इंसान पहले सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, और कोविड के बाद तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि पैसा कुछ भी नहीं आज के ज़माने में, असल चीज़ आपका पीस ऑफ माइंड है। और सेकेंड जो चीज़ उसके सीईओ को, उसको सीईओ बनाती है, वो है उसके डिजिटल स्किल्स। अब जरा सुनिएगा, अब डिजिटल स्किल्स का मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी से भी होना पड़ेगा। आज के ज़माने में अब वो ज़माना गुजर गया कि आपको डिजिटल या टेक्नोलॉजी का पता नहीं है और आप कामयाब हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। एक्सेप्शन में भी देर, कोई आपने छोटा सा दुकान बनाई उसमें कोई बड़ी हो जाएगी, लेकिन स्केल अप नहीं होगा, यानी कि आप ग्रो करके बड़े लेवल पर नहीं जाएंगे। आप बिल गेट्स नहीं बन सकते, आप स्टीव जॉब नहीं बनेंगे, आप बड़ा बिलियनर नहीं बन सकते, छोटा मोटा रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। और तीसरा और आखिरी आज का गुफ्तगू का जो टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ सीईओ, वो है जी कि उसको अपनी जो है डिजिट्स का पता होना चाहिए। पहले डिजिटल बोला, अब डिजिट्स बोला। डिजिट्स मीन उसको प्रॉफिट लॉस और उसको कैश फ्लो आनी चाहिए।